जनपद मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के गांव लक्ष्मीपुर कटाई में सर्व समाज विकास सेवा समिति के बैनर तले लोगों को साइकिल, सिलाई मशीन, कपड़े आदि वितरित किए गए। रूपचंद्र प्रजापति ने मुख्य अतिथि एडीएम फाइनेंस प्रीति जायसवाल द्वारा सभी को साइकिल, कपड़े, जूते आदि वितरण कराए गए। वहीं क्षेत्र के लोगों के चेहरों पर खुशी सी नजर आई। वहीं एडीएम फाइनेंस ने कहा कि जिस तरह से मुंडा पांडे में रूपचंद्र प्रजापति द्वारा गरीबों का ध्यान रखा जा रहा है, इसी तरह से हर क्षेत्र में गरीबों का ध्यान रखा जाना चाहिए। गांव लक्ष्मीपुर कटाई में रूपचंद्र प्रजापति द्वारा आंखों का भी फ्री कैंप लगाया गया। इसी बात को लेकर एडीएम फाइनेंस ने कहा कि हम लोग भी चाहते हैं कि हर क्षेत्र में इसी तरह से गरीबों की सहायता होनी चाहिए। इस मौके पर प्रजापति समाज के लोग भारी तादाद में मौजूद रहे। प्रारंभ से मैं सुन रही हूँ और मंच पर असीम तशरीफ फरमा आप सब हजरात और यहाँ पर उपस्थित उद्यान अधिकारी, हमारे महिलाएं, बहने, बच्चे, मीडिया के कर्मियों, प्रजापति जी से ये मेरी पहली भेंट है। संभवतः कहीं मुलाकात रही होगी सरकारी ऑफिसर्स में, लेकिन आपके कार्यक्रम में पहली बार आ रही हूँ। आज सुबह ही जब डीएम साहब ने यहाँ आने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन जिले में वीवीआईपी कार्यक्रम होने के कारण वो नहीं आ सके, तो तत्काल उन्होंने मुझे बताया और मैंने यहाँ आकर प्रजापति जी की जो कार्यशैली देखी है उससे एक बात स्पष्ट हुई कि आप लोगों के घर घर में विराजमान हैं। आपको चेहरे से पता है कि कौन क्या है, किसका क्या नाम है। चंद प्रजापति जी, आज क्या प्रोग्राम आपका? ये प्रोग्राम ये मैंने एक संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया एक वर्ष पहले, जिसका मैंने नाम दिया सर्व समाज विकास सेवा समिति। और पिछले वर्ष मैंने इसमें 6 कार्यक्रम करवाए जो सभी मीडिया के माध्यम से, फेसबुक से, यूट्यूब पे, ट्विटर पे मैंने चलवाए। आज ये इस साल का 2020 का फर्स्ट प्राइज पहला कार्यक्रम है, जिसमें मैंने 30 सिलाई मशीनें, 50 सूट, 50 साड़ियाँ, 3 साइकिलें और 100 जोड़ी जूते व्यवस्था की गई और इसमें एक आज आँखों का कैंप लगवाया गया जो मंदिर के पिछली साइड पर कैंप चल रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन लोग? मुख्य अतिथि के रूप में आईडीएम साहब को आना था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन हो गया, इसलिए उनके स्थान पर एडीएम फाइनेंस हमारी बहन जी आई। और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बैठे हुए हैं सुनील कुमार जी, जो जिला उद्यान अधिकारी हैं, वर्तमान में यही सब लोग रहे।